शनिवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने द्रंग विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुन्नू में स्तरोन्नत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सहाल का विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने स्कूल के वार्षिक पारितोषिक वितरण समूह की अध्यक्षता भी की और मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह वर्ष भर छात्रों द्वारा की गई मेहनत का आईना होते हैं और मेधावी छात्रों को शिक्षा के अतिरिक्त खेलकूद, सांस्कृतिक व अन्य गतिविधियों के लिए सम्मानित करने का एक मंच उपलब्ध करवाता है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का दायित्व है कि वे बच्चों में नैतिक शिक्षा का संचार करें ताकि वे अच्छे व जिम्मेवार नागरिक बन सके और उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना भी पैदा हो। उन्होंने पुरस्कार प्राप्त करने वाले छात्रों को बधाई दी और अन्य छात्रों से आह्वान किया कि वे कड़ी मेहनत करें और आगामी वर्षों में पुरस्कार प्राप्त करने वालों की सूची में अपना नाम शामिल करवाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा समाज के वंचित वर्ग के शिक्षा स्तर में सुधार लाने के लिए विभिन्न छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के 1000 व अन्य पिछड़ा वर्ग के 1000 मेधावी छात्रों को मैट्रिक परीक्षा के आधार पर जमा एक तथा जमा दो कक्षाओं के लिए योग्यता के आधार पर प्रतिवर्ष 10,000 रुपये छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति जनजाति की छात्राओं को 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 3,000 रुपये अनुदान प्रदान किया जाता है। उन्होंने कहा कि मंडी जिला में प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत अब तक 2,08,00,000 रुपये की राशि विभिन्न छात्रवृत्ति योजना के पात्र छात्रों को अंतर्गत प्रदान की गई है। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि आर्थिक या अन्य कारणों से उच्च शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए मंडी जिला प्रशासन द्वारा शिक्षा उत्थान समिति का गठन किया गया है। समिति ऐसे वंचित बच्चों को उच्च शिक्षा का व्यय समय बहन करती है और इसके लिए उपायुक्त अथवा उपमंडलाधिकारी नागरिक कार्यालयों के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि द्रंग विधानसभा क्षेत्र का चहुंमुखी विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राजकीय महाविद्यालय पद्धर में साइंस ब्लॉक के निर्माण पर लगभग 4,75,00,000 रुपए व्यय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की 16 पंचायतों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए पंजौड़ा नाला से 25 करोड़ रुपए की योजना निर्माणाधीन है, जिस पर अभी तक करीब 12 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि पद्धर में उपमंडलाधिकारी नागरिक कार्यालय सहित लोक निर्माण, सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण आदि विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण कार्यालय खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि पद्धर के लिए उप रोजगार कार्यालय भी शीघ्र खोल दिया जाएगा। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में लिंगानुपात की दर को संतुलित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं और लिंग निर्धारण पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 4 सालों के कार्यकाल में 85 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए और 35 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का दर्जा बढ़ाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा तथा 32 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का दर्जा 30 से बढ़ाकर 50 बिस्तर का किया गया और 4 नए मेडिकल कॉलेज भी खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग के अंतर्गत गत 4 सालों में प्रशासन को जनता तक ले जाने के लिए 35 नई उप तहसीलें खोली गई और 25 का दर्जा बढ़ाया गया, जिनमें से 3 द्रंग के टिकन, कटौला व ओट में स्थापित की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पटवारियों के लगभग 2400 पद भरे जा रहे हैं, जिनमें से 778 को नियुक्ति प्रदान कर दी गई है, जबकि 1120 प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने स्कूल की दीवार के अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिए 1,00,000 रुपये तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले छात्र छात्राओं को अपनी ऐच्छिक निधि से 15,000 रुपये प्रदान करने की घोषणा की। इस अवसर पर मंडी जिला कांग्रेस के महामंत्री चंद्रशेखर ठाकुर, लेखराम ठाकुर, सेवक राम यादव, उपमंडलाधिकारी नागरिक पदर डॉक्टर आशीष शर्मा, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग प्रदीप ठाकुर, तहसीलदार पदर डीसी ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी व पंचायती राज संगठनों के चुने हुए प्रतिनिधि उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।